नमस्कार दोस्तों, वेलकम आई यूट्यूब चैनल आर्क सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है फ्रेंड। और आज की वीडियो फ्रेंड में ये बताऊंगा आपको, यानी कि मैंने जो इंजन किया, हाफ इंजन किया था एक एचएफ बाइक का, यानी कि मैं आपको ये बताने वाला हूं आपको, यानी कि रिंग पिस्टन इंस्टॉल कैसे करते हैं। यानी कि मैंने उसमें वॉर्स कंपनी का पिस्टन डाला है, वॉर सब कराया है, और अब मैं जो है इंजन फिटिंग कर रहा हूँ इसका, ठीक है। यानी कि उसका, यानी कि हीरो एचएफ डिलक्स बाइक का, ओके। बोर की वीडियो और प्लस हेड की फिटिंग की वीडियो और पिस्टन कितने नंबर का डाला है मैंने, वो उनकी वीडियो सबकी, यानी कि उन सब वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो उस वीडियो को फ्रेंड। क्योंकि मैंने पिस्टन बोर भी कराया है, हेड की वाल सीडी भी कराए हैं, और प्लस पिस्टन से अनबॉक्सिंग भी किया है, और 25 नंबर का मैंने पिस्टन डाला है, ठीक है फ्रेंड। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, जैसे कि देख पा रहे हो आप कि ये जो है, यानी कि ये इसका पिस्टन रखा है, ये बिगिन पिन है, ये लॉक है इसके, और रिंग जो रखे हैं फ्रेंड, रिंग है ये, ठीक है। ये है इसके चार रिंग है, एक हेल्पर है, और ये इसका डब्बा है, ठीक है फ्रेंड। और आज की वीडियो में फ्रेंड मैं ये बताऊंगा, यानी कि जो अभी तो ये फिलहाल बोर हो गया है, बोर की भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यानी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां जाएगा उसको भी देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड। और आज की वीडियो में जो बात करने वाला हूं आपसे, यानी कि रिंग इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है, पिस्टन में, यानी कि किसी भी बाइक में अगर आप पिस्टन डालते हो तो रिंग कैसे इंस्टॉल करते हैं, आज की वीडियो में ये बताऊंगा। तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो फ्रेंड, जैसे कि देख पा रहे हो आप, सबसे पहले हमको ये पिस्टन से ही स्टार्ट होते हैं जब रिंग फंसते हैं फ्रेंड। सबसे पहले हमको पिस्टन ही चेक करना पड़ता है, पिस्टन में क्या क्वालिटी है क्या नहीं, ठीक है। पिस्टन पे यहाँ पर आप स्क्रेच चेक कर लेना, यहाँ पर स्क्रेच ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ के निशान लगे हुए होते हैं, तो उस वजह से स्मोकिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ओके फ्रेंड। अभी फिलहाल ये नया गोर्स कंपनी का पिस्टन है, और इसमें मैं नया पिस्टन डाल रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको फ्रेंड, एक साइड में हमको ये पिन लगानी है। अभी इसको मैं पिन निकालता हूँ। तो देख रहे हो फ्रेंड, जैसे कि ये पिस्टन है और ये हमने पिन लगाई इस साइड से, ठीक है ना। ये जो EN होता है, ये इनलेट साइड होता है, यानी कि बड़ा बाल्ब। तो हमें सबसे पहले हमको गेन पिन लगानी है। गेन पिन लगाने के बाद हमको फ्रेंड यहाँ पे एक लॉक होता है, हमको लॉक हटाना है। एक लॉक नहीं, दो लॉक होते हैं, जो लॉक हैं ये, ठीक है। पहले अब इसको हम लॉक निकालते हैं। फर्स्ट टाइम में हमको एक लॉक पहले ही ऑलरेडी फंसाना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान नहीं रहता, जल्दबाजी में मूड ख़राब हो जाता कभी कभी, तो ऐसा होता है कि कई सारी प्रॉब्लम होती हैं जो इंसान भूल जाता है लॉक लगाना। तो फ्रेंड, एक लॉक मैंने रखा इधर, और एक लॉक करता हूँ मैं फिट इसमें, ओके। एक लॉक जो है फिट फ्रेंड, सबसे पहले हमको यहाँ पर देखो लॉक कैसे बैठता है एकदम, मैं ये बताऊँ। तो देख रहे हो फ्रेंड, ये इस पोजीशन में है लॉक अभी, और ये अब इस पोजीशन में पहुँच गया, ठीक है। अब हल्का सा हम यहाँ से स्क्रू ड्राइवर से एक हल्का सा थोड़ा सा दबाएंगे, और ये लॉक बैठ जाएगा, ओके। ये आधा तो बैठ चुका है, और अभी ये फुल बैठ गया। तो देख रहे हो फ्रेंड कि ये अभी लॉक पूरा अच्छे तरीके से बैठ चुका है, और कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और अब जो है फ्रेंड, अब है अब रिंग लगाने की बारी। जैसे कि मानो कि ये अभी ये चार रिंग और एक हेल्पर रखा है, ये देख रहे हो आप, ये चार रिंग एक हेल्पर है, और अब जो लगेंगे इसमें रिंग लगेंगे फ्रेंड। तो अब ये रहा पिस्टन। पिस्टन में सबसे पहले हमको फ्रेंड, पिस्टन में जो लगाना है, ये सबसे पहले ये ऑयल रिंग लगाना है। ये देख रहे हो आप, इसकी जाली का जो होता है ये, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि MW का हिसाब होता है। फिलहाल MW पे कोई बात नहीं, पर जो ये M जो बन गया है, इस हिसाब से हमको ये फिट करना होता है, इस हिसाब से, इस पोजीशन में, ठीक है। मैं इसका जो मुंह रख रहा हूँ फ्रेंड, देखो कुछ कुछ जो मैकेनिक भाई होते हैं, कुछ इसके यहाँ पर रखते हैं, कोई कहीं भी रखते हैं। वैसे फिलहाल जो मैं फिट करता हूँ, मैं तो फ्रेंड यहाँ पर फिट करता हूँ, इसका जो पोजीशन होता है ये, यानी कि जो इसका जो जाली होती है, जाली जो फिट करता हूँ मैं यहाँ पर करता हूँ इस हिसाब से। तो ठीक है फ्रेंड, एक रिंग तो ये फिट हो गया है। तो ठीक है फ्रेंड, अभी जाली फिट हो चुकी है, और अब इसमें सबसे पहले लगेंगे पतले वाले रिंग जो होते हैं, दो रिंग, ठीक है। फिर टॉप वन टॉप टू लगेंगे। तो देख रहे हो फ्रेंड कि ये रहे इसके ऑयल रिंग बारीक वाले, ओके। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमको जो रिंग फंसना है, हमको फिर फंसना है रिंग ये, सबसे पहले रिंग फंसता है ये, जो इस हिसाब से हमें फंसना है, ओके। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि
रिंग कहीं जाम वाम ना हो, तो फ्रेंड ये ऑयल रिंग फंस चुका है, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब एक रिंग फंसा है, अब फंसते हैं दूसरा रिंग। ओके, दूसरे रिंग का जो डायरेक्शन होता है फ्रेंड, दूसरे रिंग का डायरेक्शन होता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरे रिंग का जो डायरेक्शन रखता हूँ मैं यहाँ रखता हूँ, वैसे अपना अपना हिसाब होता है। फिलहाल हर एक जो मैकेनिक होता है ना, वो अलग अलग अपने तरीके से फंसता है भाई रिंग, और मैं जो फंसता हूँ मैं तो इसी तरीके से फंसता हूँ, और आज तक फिलहाल कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई है। मैंने जब कंपनी में काम किया था वहाँ भी इसी तरीके से फंसता था। ओके फ्रेंड, तो ये जो बारीक वाले जो रिंग होते हैं वो दो रिंग लग चुके हैं, अब टॉप वन टॉप टू की बारी है, ठीक है। टॉप वन रिंग ये है जो आप देख रहे हो कि ये टॉप वन रिंग है, और काला वाला जो रिंग देख रहे हो ये टॉप टू रिंग है, और हमें लगाना है अब ये टॉप टू रिंग। ओके, टॉप टू रिंग का जो मुंह आएगा फ्रेंड, मुंह आएगा यहाँ पर को, यानी कि इसका जो खाली खांचा है वो आएगा यहाँ पर को, जस्ट ई एन के जस्ट यहाँ पर को। और बाइक जो धुआं छोड़ती है, जो मोबाइल उठाती है गाड़ी, तो वो भी इसी रिंग से ज़्यादा शिकायत होती है, तब जाके गाड़ी धुआं छोड़ती है और ऑयल खाती है, और बहुत जल्दी ऑयल खाती है। जो कच्चा ऑयल छोड़ती है फ्रेंड, वो कच्चा ऑयल, यानी कि कुछ गाड़ियां ऐसे देखी हैं कि ऑयल डालने के बाद एक हफ्ते में जिंदा ऑयल फेंकती हैं, यानी कि सिलेंडर में को, बिल्कुल एकदम जैसे हम ऑयल डालते हैं इंजन में ऐसी ऑयल सिलेंडर के थ्रू निकलता है। तो वो ये प्रॉब्लम होती है कि जो हेल्पर रिंग है, यानी कि ऑयल रिंग जो पतले वाले रिंग होते हैं, ये जाम हो जाते हैं या बुरी तरीके से कट जाते हैं, तब जाके ऐसी प्रॉब्लम होती है, ठीक है फ्रेंड। तो अभी जो मैं बात कर रहा था कि इसका जो है टॉप टू रिंग लग चुका है बिल्कुल एकदम प्रॉपर अच्छी तरीके से, ठीक है फ्रेंड। और अभी जो है टॉप वन रिंग फ्रेंड, टॉप वन रिंग जो है फ्रेंड, अब यहाँ को इस हिसाब से लगेगा। देखो फ्रेंड, अब इस पोजीशन में हमको ये रिंग रखना है, यानी कि जस्ट सेंटर में नहीं रखना है, ये जो रिंग रखना है हमको यहाँ पर रखना है, थोड़ा हट के। ओके, तो इस पोजीशन में ये जब गाड़ी में फिट होगा तो ये इस हिसाब से वर्क करेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि ऑयल अच्छी तरीके से रोकते हैं ये नीचे की पोजीशन में, और कोई भी शिकायत वाली बात नहीं, यानी कि इस तरीके से अगर रिंग सेट होते हैं तो गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, धुआं नहीं छोड़ती है बाइक, और कंपनी का हिसाब भी फिलहाल यही है। और हर एक कंपनी का जो ट्रिक होता है ना वो अलग अलग होता है, यानी कि हीरो होंडा 50 KBS और भी अदर एक दो कंपनी और हैं, हर एक कंपनी का जो ट्रिक्स होते हैं वो अलग होते हैं फिलहाल। पर अधिकतर जो पिस्टन निकलते हैं स्टैंडर्ड तरीके से जैसे हम निकलते हैं, तो इसी पोजिशन में निकलते हैं रिंग। तो फ्रेंड इसी तरीके से मैं रिंग फंसता हूँ हर एक बाइक में, अब जो है ये रिंग फ्रेंड फंस चुके हैं पिस्टन में रिंग इंस्टॉल हो चुके हैं, और अब मैं इसका सिलेंडर पे पैकिंग लगाऊंगा और इंजन पे फिट करूंगा, ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले मैं ये पिस्टन लगाऊंगा, यानी कि क्रैंक शाफ्ट में ये पिस्टन लगा के यहाँ पर सब में लुब्रिकेट करके, यानी कि इस पोजीशन में और रिंगों की जगह पे लुब्रिकेट करके, यानी कि ऑयल डाल के नया ऑयल, और फिर मैं फिट करूंगा। पहले ये पिस्टन लगाऊंगा, फिर ये पिन डाल के लॉक लगाऊंगा, ये जो लॉक देख रहे हो आप ये लॉक, तो इस पोजीशन में इस तरीके से फ्रेंड ये रिंग फिट होते हैं, पिन रिंग पिस्टन इंस्टॉल होते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी सारी बातें, और फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।